सारा ओडिशा रे प्रचंड रौद्रताप आकाश रु अग्नि वर्षा होउछि। क्रमागत भाबरे 7 दिन हेबो ग्रीष्म लहरी राज्य रे जारी होइथवा बेले आसंता कालीठु मिलिबो तातिरु आश्वस्ति। दुई दिन मध्यरे पश्चिमा छोड़ द्वारा प्रशमित कालबैसाखी प्रभाव रे राज्यर अनेक स्थान रे किछि दिन पई तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री जाय ह्रास घटिबारे संभावना रहिछि। तबे आज सकाळ 8:30 सुद्धा 37 डिग्री सह बारिपदा शहर सबुठु उत्तप्त शहर पालटिछि। सेहीपरि बलांगीर 35.4, भद्रक ओ अनुगुल 35 डिग्री, जाजपुर 34.8 डिग्री, भवानीपाटना 34.4 डिग्री, झारसुगुड़ा 34.4, केउझर ओ कटक 34 डिग्री, राउरकेला 33.8 डिग्री, फुलवाणी ओ बालेश्वर 33.6 डिग्री, नयागढ़ ओ टिटलागढ़ 33, भुवनेश्वर 32.6 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा दैछि। आम बारिपदा प्रतिनिधि रंजन दास आम सहित जोड़ी होती बाबद्रे आम लाइव आलोचना करवा। रंजन गोटे पटे सिमिलपाल गोटेपर गोटे अंचल को अग्नि बापिबार लगी लगुच आम कहीपर मोटामोटी भाव वन विभाग भी अनायत है। अनेपट देखा जदि बारिपदा सबुठ उत्तप्त सहर वर्तमान पर्यंत जदि आम जो तथ्य कौच देखा पखापाखि 37 डिग्री हूँ आज तापमात्रा 8:30 सुधा बारिपदारे जहाँकि वर्तमान समय सबुठ उत्तप्त सहर पलटि कौन देखुंते मात्र गरम अनुभूत होनेपटे आउ एक खबर विषय मत जानवाक चाहबू जो सिमिलपाल निआ को आयत्त करने कौन सब चेष्टा कर रंजन। निश्चित पक्षे निवेदिता आप देखुए कि भाव में सारा राज्य में वर्तमान देखुए ग्रीष्म प्रभाव लग रही टेम्परेचर कहवाक गले सबू जगह बढ़ी बढ़ी चलती। आम जब बारिपदा कथ कह देखो बारिपदार पखापाखि जदि आम गुरुवार कथ कह गुरुवार दिन 43.6 डिग्री सेलसीयस था शुक्रवार से तापमात्रा वृद्धि होगी 44.2 डिग्री होता है। जो गत कालीर कथ कहु गत कालीर जो तापमात्रा थी पाखापाखि 44.45.2 डिग्री सेलसीयस 45.2 डिग्री सेलसीयस विश्वर कहवाक गले नवम गरम सहर एवं जदि राज्यर कह राज्यर सब बड़ उत्तप्त सहर भाव में परिचित होता। निश्चित पक्षे आम कहीपर जो भाव में गरम वृद्धि पाँच लोक मैंने गरम दाऊ रक्षा पाई देखिपे सीधा सड़क चित्र जोटे छाई मूल मिलू टे छाई मिलू से आसिक लोक आश्रय नौते जो कहु पा कथ कौ थंडा पानी कथ कौ डाब पा कथ कौ लोक मैंने पीऊँ जो कहु गरम कि रे कि भाव व्यवस्था करके पा बोतल और मुंडे गामुछा गुड़ी जा दृश्य आम देखा चाहूँ ये हूँ प्रमुख छक बारिपदा सहर ये हूँ केसी सर्कल जो कहूँ से छक में बर्तमान रही ये सीधा सड़क दृश्य आपड़ निश्चित पक्षे कहीपर प्रशासन पक्षर जो भाव में समस्त विधि व्यवस्था करव सुरक्षा दि जापर कि गरम रु लोक कि रक्षा पाइपापी विभिन्न प्रकार निर्देश जारी करमती पानी जल रखे और जो रही दिन 11:00 पर्यंत जातायात लोक कह घरे नित्यांत काम ना घर बाहर को बाहर ना घर विश्राम करूँ। निश्चित पक्षे ये हूँ सीधा सड़क दृश्य देखिपे लोक मैंने ग्रीष्म दाऊ रक्षापी गामुछा घोड़े हूँ हेलमेट लगे हूँ विभिन्न प्रकार जातायात करके कहते सीधा सड़क ये गरम को कौटी ना कौटी लोक सीधा सड़क छुँची और लोके आश्वस्ति अनुभव करने को बर्तमान चाहूँगी जहाँफल गरम बर्तमान दाऊ साधुची लोके गरम आउट बाउट है। तेज सब बड़ कथा जमी भाव आप कहते सिमिलपाल निआ देखा मिली सिमिलपाल अधिक गरम प्रभाव विभिन्न स्थान में निआ लगी जमती भाव रही जो आरसीसीएफ रही जो सिमिलपाल वन विभाग रही पक्षर जो निर्देश रही जो गत काली 13 स्थान में निआ लगी लिभे दि जाता आज 30 स्थान निआ लगी कथा खबर आसी वन विभाग कर्मचारी लिभे लग पड़ते जितेबाला देखुए विभिन्न स्थान गरम बढ़ुची से बारिपदा सहर तापमात्रा कौटि ना कौटि सबुठ उत्तप्त सहर हो पड़ी एवं जब भाव में देखुंट लोके कि भाव में आश्वस्ति अनुभव करेंगे तापाई व्याकुल होता बेले प्रशासन निर्देशनामा जारी कर भाव में लोके रे दिन 11:00 दिन 3 पर्यंत घरे रुहतु स्वस्थ रुहतु और जदि बाहर को बाहर पा नि गामछा नियंतु छता नियंतु ये सब करमती रही देवालय रही स्कूल वर्तमान बंद रही देवालय गुड़िकर जो रही देवालय दिन 11:00 सुधा बंद करने को कहुच्छ विभिन्न स्थान में जो रही सरकारी पक्षर कि बारिपदा पौर परिषद पानी जल व्यवस्था कर छक को छक देखिए
ପାନୀୟ ଜଳ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ସର୍ବତ କେଉଁଠି ଦହି ଇଏ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି। ଗରମରୁ କେବେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ ତାକୁ ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେଇକି ବସିଛନ୍ତି, କେମିତି ଏହି ଗରମରୁ ତ୍ରାହି ପାଇବେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗତକାଲିର ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ଼ ଥିଲା, ଗତକାଲିର ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା ଥିଲା, ଚଳିତ ବର୍ଷର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା, ଲୋକେ ଏ ଭଳିଆ ତାପମାତ୍ରା କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତାପମାତ୍ରା, ଲୋକେ ଆଉଟ୍ ଆଉଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଗରମ ଦାଉରୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ତେବେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ନିତ୍ୟାନ୍ତ କାମରେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗରମରେ ସେମାନେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ କୁହାଯାଇପାରେ। କେବେ ଏହାଠୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ, କେବେ ଏହାଠୁ ରକ୍ଷା ମିଳିବ, ତାକୁ ନେଇକି ଲୋକେ ଏବେଠାରୁ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଆଶା କରିକି ବସିଛନ୍ତି। ନିବେଦିତା, ନିହାତି ଭାବରେ ଏମିତି ଗରମ ବୋଧହୁଏ ରାଜ୍ୟବାସୀ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନଥିବେ। ଅସମ୍ଭାଳ ହେଲାଣି, ସକାଳ 8:30 ସୁଦ୍ଧା ବାରିପଦା ସହର କଥା ଯଦି କହିବା, ରଞ୍ଜନ 37 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେକର୍ଡ କରାଗଲାଣି। ସମୟ ଗଡ଼ିବା ସହିତ ତାତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜଳଛତ୍ର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଲା ହେଉଛି ଏବଂ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ସତର୍କକୁ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତାହେଲେ ବାହାରକୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟପଟେ ବନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଆମ ବାରିପଦା ପ୍ରତିନିଧି ଦାସଙ୍କ ଲାଇଭ୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଖବରକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।